तो आज हम बात करते हैं नीट के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के रिजल्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट राउंड का जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक गई है वो है 3654। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक गई है वो है 4466। और एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक गई है वो है 38571। और एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक गई है वो है 67906। तो 3654 जो जनरल की कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड में, इसका एक्सपेक्टेड जो मार्क्स होगा वो अराउंड 6652670 होगा। और ओबीसी की जो कट ऑफ रैंक गई है 4466, उसका एक्सपेक्टेड मार्क अराउंड 6552660 होगा। और जो एससी की कट ऑफ रैंक गई है 38571, उसका अप्रॉक्स मार्क 580 के अराउंड होगा। और जो एसटी की कट ऑफ गई है 67906, उसका एक्सपेक्टेड मार्क अराउंड 562-70 होगा। तो चलिए देखते हैं एम्स देवघर की सेकेंड राउंड में कट ऑफ क्या जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड रैंक जा सकती है 4000 to 4200। ओबीसी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है अराउंड 5000। एससी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है अराउंड 40000। और एसटी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है 70000। तो ऐसे इन शॉर्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।